नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाई लोग खेती के साथ कौन कौन से काम करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन से काम आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते हैं और किस तरीके से आप उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी कामों के बारे में जानते हैं। किसान एक पशुपालन। पशुपालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो आपको अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है। आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, मछली आदि पाल सकते हैं और उनके दूध, मांस, अंडे, खाद आदि का उपयोग करके लाभ कमा सकते हैं। दो शैम्पू और साबुन निर्माण। आप अपनी खेती से प्राप्त किया गया नारियल तेल, नीम तेल आदि का उपयोग करके शैम्पू और साबुन निर्माण कर सकते हैं। इससे आप अपनी उत्पादों की मूल्यवानता बढ़ा सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तीन खेती से संबंधित प्रशिक्षण। आप अपने खेती और कृषि ज्ञान को शेयर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। आप अपनी अनुभव साझा करके और नए तकनीकों को सीखकर अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को मदद कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करेंगे। चार आपदा प्रबंधन सेवाएं। आप अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन सेवाओं का आयोजन कर सकते हैं। यह आपको अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा, जैसे कि जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण आदि। इससे आपको सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ भी मिल सकता है। पाँच पर्यटन संबंधित सेवाएं। आप अपने क्षेत्र में पर्यटन संबंधित सेवाओं का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि फार्म स्टे, आदिवासी अभियान, कैंपिंग आदि। आप अपने खेती से प्राप्त किए गए उत्पादों और स्थानीय संस्कृति को पर्यटकों को प्रदर्शित करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इन सब तरीकों के अलावा आप एक छोटा सा दुकान भी खोल सकते हैं। इसमें भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इनमें से किसी भी कामों को करके आप अपने खेती के साथ साथ अन्य स्रोतों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगेगी। अगर आपके पास किसी और काम के बारे में कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।